नमस्कार मित्रों, आज मैंने एक नया टॉपिक ले लिया है और उसका कारण हमारा एक दर्शक, हमारे यूट्यूब का एक विद्यार्थी, बड़ा उत्साही, उसने 10 बार अब तक मुझसे एक निवेदन किया। नाम है गोपाल गुर्जर, आप स्वयं देख लें यूट्यूब पर उनके, इसके अलावा व्हाट्सएप पर कई बार निवेदन किया कि सर घनानंद का एक छंद बताया मुझे, जो मैंने आज बोर्ड पर लिख रखा है, आप इसको एक बार पढ़ दीजिए केवल किसी भी कार्यक्रम के आगे या बाद में। किसी भी विषय के बीच में आना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, आज मैंने सोचा इसने बहुत बार निवेदन किया है, आज मैं इसकी फरमाइश पूरी कर देता हूं। यद्यपि हमारे पास अब तक 98 फरमाइशें हैं, साथियों मैंने क्रम बना रखा है। यही कारण है बहुत लोगों को निराश होना पड़ता है। हमारे अनेक मित्र कई बार हमें तमाम चीजें कहते हैं और मैं उनको पूरी नहीं कर पा रहा हूं। आप ये मानकर चलिए सब कुछ पूरा होगा, सबकी इच्छाएं पूरी होंगी। आज के लिए मैंने घनानंद का टॉपिक लिया है, उसके अनुसार मुझे घनानंद का एक छंद पढ़ देना है केवल, लेकिन मैं पढ़ूंगा भी और पढ़ने के बाद उसका अर्थ बहुत आवश्यक है BA MA के लिए, विद्यार्थियों के लिए। साथियों छंद देखें पहले, फिर मैं घनानंद के विषय में कुछ बातें बताऊंगा आपको। कौन है घनानंद, क्यों प्रसिद्ध हुए, क्यों आज वो श्रृंगार रस के या प्रेम की पीर के कवि क्यों कहे जाते हैं। पहले इस छंद को देखते हैं। अति सुधो स्नेह को मार्ग है, जहां नेकु सयान पो बाक नहीं, तहां साचे चले तजी आपन पो, झिझके कपटी जे निशाक नहीं। घन आनंद प्यारे सुजान सुनो, इत एक ते दूसरी आंक नहीं। अरे तुम कौन धो पाटी पढ़े हो लला, मन लेहु पे देहु छटाक नहीं। साथियों मैंने पढ़ तो दिया, मगर एक बात क्षमा याचना के साथ कहूंगा, मुझे छंद पढ़ना नहीं आता, वास्तविकता ये है। मगर जब लोग कहते हैं, मान जाता हूं कि सर बढ़िया पढ़ा, किंतु मैं खुद नहीं, मैं सामान्य भाषा में पढ़ता हूं, जैसे उस तरह पढ़ूंगा उस समय जिस समय आपको समझाऊंगा। पहली बात आती है घनानंद। साथियों रीतिकालीन कवि, रीतिकाल के कवि घनानंद मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में मीर मुंशी थे। मोहम्मद शाह रंगीले समय समय पर कविताएं सुना करते थे, रोज प्रतिदिन उनका दरबार लगता था, लगभग 1 घंटे का आयोजन होता था और उसमें घनानंद प्रतिदिन कविताएं सुनाया करते थे। घनानंद कृष्ण के भक्त थे, सवैया कवित्व लिखा करते थे, ये भी सवैया छंद है जो मैंने पढ़ा भी। कुछ लोग घनानंद से ज्वेलसी रखते थे, ईर्ष्या रखते थे, किस प्रकार राजा के सामने, शहनशाह के सामने, बादशाह के सामने इसका पत्ता का आज भी होता है विभिन्न कार्यालयों में, जहां पे अधिकारी है अन्य कर्मचारी एक दुजलते हैं, ये इतना निकट क्यों जा रहा है। उन लोगों ने राजा से सोचा किस प्रकार इनकी बुराई की जाए। राजा के दरबार में एक नर्तकी थी, नाचने वाली, जिसका नाम सुजान हुआ करता था। सुजान नाम की नर्तकी कहते हैं बहुत सुंदर थी, सुंदर हो या न हो घनानंद को बहुत अच्छी लगती थी, घनानंद उससे प्रेम करने लगे। और मजे की बात यह, जिस समय वो होती थी घनानंद कविताएं सुनाते रहते थे, ऐसा लगता था कि घनानंद को अपने आप काव्य की प्रेरणा मिलती जा रही है, ये प्रेम उनका हृदय से चल रहा था। लोगों ने राजा से शिकायत की चुपचाप, 2-4 लोगों ने कि राजन घनानंद सुजान को चाहते हैं और वो तभी कविता सुनाते हैं जब सुजान दरबार में होती है। दूसरा दिन हुआ, राजा ने बड़े धैर्य से, सुजान उस समय तक नहीं आई थी, कार्यक्रम का प्रारंभ नहीं हुआ था, क्योंकि मनोरंजन कार्यक्रम होता था जिसमें नृत्य कला चलती थी। राजा ने उस दिन अचानक, नृत्य कार्यक्रम नहीं था, मनोरंजन कार्यक्रम नहीं था, बीच में ही कह दिया घनानंद कविताएं सुनाओ। घनानंद चौंक गए, क्यों, घनानंद की काव्य प्रेरणा सुजान ही थी और कोई नहीं थी। साथियों बातों बता दें, सुजान का अर्थ
भगवान के लिए लिया जाता है। चतुर कहते हैं कई बार भगवान के लिए प्रयोग होता है। कृष्ण के भक्त थे, उनकी कविताएं उन्हें प्रेम की पीर का कवि कहा गया है। अब चौंक गए, बोले महाराज अभी तो टाइम भी नहीं हुआ, अभी तो आयोजन भी नहीं हो रहा है इस समय कविता। उन्होंने कहा मेरा आदेश है। अब देखे आप, राजा को थोड़ा सा क्रोध आया। घनानंद खड़े हुए, भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, भगवान कैसे कविता सुनाऊंगा, मैं तो कविता सुनाने वाली ही नहीं है सामने। अचानक देखा द्वार से सुजान चली आ रही है। फिर क्या था, घनानंद कविताएं सामने आती गई, छंद आते गए, सुनते गए, वाह वाह होती रही, तालियां बजती रही। लोगों ने शाम को जाकर के राजा को फिर एक चुगली कहेंगे उनके खिलाफ एक रिपोर्ट दर्ज कर दी। महाराज देखा आपने घनानंद को, बोले क्या कविताएं सुनाई? कहने लगे नहीं, आपकी तरफ पीठ किए हुए था और सुजान की तरफ मुंह किए हुए था, आपका सरेआम अपमान अपमान है। दूसरा दिन हुआ, आयोजन चल रहा था, घनानंद कविताएं सुना रहे थे। उन्हीं के मध्य राजा ने कहा घनानंद मुंह हमारी तरफ करके सुनाओ। फिर क्या था, घनानंद की कविताएं बाधित हो गई, रुक गई, नहीं सुना पाए। उस जमाना था, तानाशाही थी, राजा ने उसी समय घनानंद को निष्कासित कर दिया अपने राज्य से, निकाल दिया गया। जो ही निकाला गया, घनानंद ने प्रस्ताव रखा सुजान के पास कि सुजान तुम भी हमारे साथ चलो। सुजान ने मना कर दिया। बस घनानंद की कविताएं प्रेम की पीड़ा की कविताएं बनी। और सारी कविताएं, अक्सर प्रश्न आता है घनानंद श्रृंगारी कवि हैं या भक्त कवि हैं? कहा तो कृष्ण को, कहा तो सुजान को, लोग मान लेते हैं कि कृष्ण पर भी कविताएं लिखी गई। वास्तविकता ये थी, घनानंद श्रृंगार कवि थे, प्रेम की पीर के कवि कहा गया है। और शायद घनानंद की कविताएं पढ़ने के बाद ही पंत जी ने कहा होगा वियोगी होगा पहला कवि, आह से निकला होगा गान, निकलकर नैनों से चुपचाप, वही कविता होगी अनजान। प्रेम की पीर के कवि घनानंद का ये सवैया छंद ब्रजभाषा में लिखा हुआ है। आप, मैं इसका अर्थ बताऊंगा, बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत आनंद आएगा उनके इस अर्थ में, प्रेम की परिभाषा। और साथ ही साथ दो प्रेम करने वालों में आदान प्रदान बराबर होना चाहिए, तभी प्रेम हो पाता है। एक तरफ से अगर है तो प्रेम नहीं हो पाता। बहुत लोग कहते हैं इस बात को कि दीपक से पतिंगा प्रेम करता है, लेकिन पतिंगा से दीपक प्रेम नहीं करता, क्योंकि पतिंगा जाकर के जल करके मर जाता है, दीपक पर क्या असर पड़ता है। लेकिन मैथिली शरण गुप्त ने इस बात को बड़ी सहजता से काट दिया, बोले दोनों ओर प्रेम पलता है, सखी पतंग भी जलता है, हाथ दीपक भी जलता है। थोड़ा सा वक्रोक्ति था, अरे पतंगा तो जलकर मर गया, दीपक तो अभी भी जल रहा है। यही बात पानी में कही जाती है, पानी और मछली के लिए जाल परे जल जात बही, अरे तज मीनन को मोह, रहीमन मछली नीर को तौ न छाड़त छो। पानी जाल डाल दिया जाता है, मछली फंस जाती है, मछली पानी से प्रेम करती है, लेकिन पानी मछली से प्रेम नहीं करता। परिणाम क्या होता है, जाल परे जल जात बही, पानी बह जाता है, तज मीनन को मोह, मछली का मोह मछली का प्रेम छोड़ देता है, लेकिन रहीमन मछली नीर को, लेकिन रहीम कहते हैं जो मछली है वो पानी का तौ न छाड़त छो, तब भी प्रेम नहीं छोड़ती, बाहर निकलती है, तड़फती है उसके बिना, मौका पाती है फिर खसक करके पानी में पहुंच जाती है। घनानंद का प्रेम भी सुजान के प्रति है, और ये छंद उनका बड़ा प्रचलित छंद है। कहते हैं, ध्यान दीजिएगा साथियों, अति सुधो स्नेह को मार्ग है, अति सुधो अत्यंत सीधा। कहते हैं अरे भाई, प्रेम का मार्ग स्नेह को मार्ग, स्नेह प्रेम, प्रेम का जो मार्ग है बड़ा सीधा है, बड़ा सच्चा है, बड़ा आसान है। अब आप कहेंगे अरे भाई किसी कवि ने तो ये लिखा था, प्रेम को पंथ कराल महा, तलवार की धार पर धावनो है। लेकिन इसका मतलब ये है कि प्रेम सच्चे लोग कर सकते हैं, जिनके मन में कपट होता है, जिनके मन में बदला लेने की भावना होती है, जिनके मन में एक दूसरे को नीचा दिखाने की भावना होती है या स्वार्थ की भावना होती है, वहां कुछ भी नहीं चलता। घनानंद कहते हैं अति सुधो, अत्यंत सहजता के साथ, निर्मलता के साथ, बहते हुए पानी की तरह, हृदय की भावनाओं की तरह, अति सुधो स्नेह को मार्ग है,
सीधे से मतलब क्या है अगली पंक्ति में स्पष्ट कर देते हैं। तहां नेक सयानप, जरा सा सयानापन, सयानापन से मतलब मेरा चालाकी से है, चालाकी नहीं होनी चाहिए। आजकल यही है, आज का प्रेम असफल क्यों है, लव मैरिज होती है एक साल के अंदर तलाक हो जाती है, इसका मतलब इन शादियों में सयानापन था, कहीं या तो धन की वजह से या रूप सौंदर्य की वजह से, वासना की वजह से या नाना प्रकार की अन्य बातें हो सकती हैं उनकी वजह। कहते हैं जहां नेक सयानप बात नहीं, वहां जरा सा भी सयानापन चालाकी बाघ तिरछापन, तिरछे का मतलब सीधे, ध्यान रखिएगा जहां सीधी चीज होती है वहीं प्रवेश करती है, टेढ़ी चीज कभी प्रवेश नहीं कर पाती। इसलिए प्रेम में हमेशा सहजता, सरलता, निश्चलता, भगवान राम ने स्वयं कहा था अरे निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जब भगवान को नहीं भाता तो प्रेम भी तो भगवान का एक रूप है। धरानंद कहते हैं प्रेम का मार्ग बड़ा सरल, बड़ा सीधा, बड़ा सच्चा है, इसमें सयानापन, बातमा, टेढ़ाईपन बिल्कुल नहीं चलता। तहां साचो चले, वहां सच्चा चलने वाला आदमी चाहिए जो प्रेम के लिए सब कुछ समर्पित कर सकता हो। तहां साचो चले तजी आपन पो, अपन पो मैं हूं सब कुछ, मैं धनवान हूं, मैं सवर्ण हूं, मैं ऊंची जात का हूं, मैं अधिकारी हूं ना। जहां ईगो है, जहां अहम है, वहां प्रेम नहीं हो सकता। तहां साचो चले तजी आपन पो, अपनापन छोड़ना पड़ेगा। कबीर ने कहा था प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाए, उसमें एक ही रह सकता है, या हम रहें या हमारा घमंड रहे। जिजके कपटी जे निशाक नहीं, जो कपटी लोग होते हैं उनका प्रेम भाव नहीं चल पाता, उनको निश्चिंतता नहीं होती, उनके लिए ये प्रेम मार्ग नहीं है। आगे कहते हैं घन आनंद प्यारे सुजान सुनो, घनानंद कहते हैं हे प्यारे सुजान जरा मेरी बात सुनो, घन आनंद प्यारे सुजान सुनो। क्या सुनने, कहते हैं अरे इत एक ते दूसरो वाक नहीं, यहां एक से बढ़कर दूसरा कोई, अब आंख लिखा है और आंख का अर्थ होता अंक, अब अंक देख लेते, हम गिनती लिखते हैं ना हिंदी में, एक दो तीन चार ये अंक है, हम पहला वन लिखते हैं ना अंग्रेजी में वन, हिंदी में एक, कहते हैं यहां एक ते दूसरो वाक नहीं, हम जब एक पर आते हैं उसके बाद आगे नहीं बढ़ते, क्यों, प्रेम एक से होता है, उसके बाद आगे जाते नहीं। जहां चार हो, पांच हो, छह हो, जहां प्रेम करने वालों की या प्रेम करने वालों के लाइन लगी हो वहां प्रेम नहीं है। मैंने पहले कहा था प्रेम गली अति साकरी, वहां दूसरे की आवश्यकता नहीं है, केवल प्रेम एक होता है। तो कहते हैं कि तजी आपन पौ या घन आनंद प्यारे सुजान सुनो, इत एक ते दूसरो आंक नहीं, प्रेम के रास्ते में दूसरा अंक ही नहीं। कहने का मतलब ये, मेरे लिए केवल और केवल तुम पर ही प्रेम शुरू होता है और तुम पर ही प्रेम समाप्त हो जाता है, दूसरे अंक तक बारी ही नहीं आती, अगला नंबर हो ही नहीं सकता, इत आंक नहीं। और अंतिम लाइन बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक अलंकार से परिपूर्ण है ये लाइन, बड़ी प्रसिद्ध है, तुम कौन धो पाटी पढ़े हो लला, तुम कौन धो पाटी पढ़े हो लला। साथियों कई जगह पुस्तकों में पाठ्यांतर आता है, तुम कौन धो पाटी पढ़े हो कहो। अब देखिए तुम कौन धो पाटी, यहां पाटी है, बहुत लोग हमारे नए विद्यार्थी पाटी नहीं जानते किसे कहते हैं, पुराने लोग जानते हैं पाटी, आज आप स्लेट जानते होंगे, स्लेट पर लिख लेते हैं, पहले लकड़ी की बनी हुई एक पाटी हुआ करती थी और उसमें हम कलम से स्याही का घोल बना करके उससे लिखा जाता था, उसे पाटी कहते थे, पाटी पढ़ना मुहावरा है। तुम कौन धो पाटी पढ़े हो लला, तुम किस पाटी में पढ़े हो, कहां पढ़ने गए थे, तुम कौन धो पाटी पढ़े हो लला, ध्यान दीजिएगा पढ़े हो, तुम कौन धो पाटी, बहुत सुंदर अलंकार है, तुम कौन धो पाटी पढ़े हो लला, मन लेहु पै देहु छटाक नहीं, मन लेहु पै देहु छटाक नहीं, ध्यान दीजिएगा तुम कौन धो पार्टी पढ़े हो, तुम कौन सी पार्टी में पढ़े हो, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, कहां शिक्षा प्राप्त की है प्रेम की, तुम कौन धो पार्टी पढ़े हो लला, कहते मन लेहु, ध्यान दीजिएगा यही श्लेष है, मन के दो अर्थ हैं, एक मन का अर्थ हृदय हुआ करता है, कहते हैं हमारा मन नहीं लग रहा, और एक मन आज तो नहीं है, आज तो हम किलो ग्राम क्विंटल हो गए हैं, पहले जमाने में एक 40 शेर का मन हुआ करता था,
लगभग 37 किलो बनता है मन। तो कहते हैं तुम कौन उधव पार्टी पढ़े हो लला, अरे भाई प्रेम में तो आदान प्रदान बराबर होना चाहिए, व्यवहार तो बराबर होना चाहिए। ये तो कोई बात नहीं हुई कि हमने आपको सैकड़ों रुपए आप पर लुटा दिए, आप कंजूसी कर रहे हैं। कहते हैं तुम कौन उधव पार्टी पढ़े हो लला, अरे मन ले हो तुम, मन भर चीज ले लेते हो हमसे, या हमारा मन ले लेते हो और देह छटाक नहीं। सीधा सर देखें पहले में मन, अरे तुमने हमारा मन तो ले लिया, मन ले हो तुमने हमारा मन ले लिया, हमारा मन तो तुम्हारे पास है। सूर ने कहा था ना, उधव मन न भय 10-20 गोपियां कहती एक हतो सो गयो श्याम संग, वो भी चला गया है। तो कहती तुमने हमारा मन तो ले लिया, मन ले हो पर देहु, देने की बारी आती है, हमारा मन तुमने ले लिया और छटाक नहीं। छटा कहते हैं सुंदरता को, आप अपनी छटा का छटा धन अंक ध्यान दीजिएगा, छटा धन अंक परछाई, अपना दृश्य, अपना मुख, अपना मुखड़ा, अपना रूप अपने दर्शन नहीं देती। मन लेहु पै देहु छटाक नहीं, अरे हमारा मन तो चुरा लिया, दिल तो मेरा हर लिया। गोविंद माधव श्याम ने कृष्णा कृष्णा मैं पुकारूं तेरे दर के सामने, घनानंद अपनी प्रेमिका से कहते हैं हे सुजान तुमने कौन सी पार्टी पढ़ी है, किस गुरु से शिक्षा प्राप्त की है, हमारा मन तो चुरा लिया और अपना एक दर्शन भी नहीं देती, अपनी एक बार परछाई भी नहीं दिखाती, सामने आती भी नहीं, कैसे काम बनेगा। दूसरा मन ले हो, अरे बड़ी चालाक हो, एक मन चीज ले लेती हो, देव छटाक नहीं। और छटाक भी 50 ग्राम 58 ग्राम का होता है, आज तो 50 ग्राम हो गया, तो हे सुजान तुम किस पार्टी में पढ़े हो, एक अर्थ में मन भर चीज ले लेते हो और छटाक भर भी देना नहीं जानते बदले की, और दूसरी तरफ हमारा मन ले लेते हो लेकिन अपनी सुंदरता का दर्शन नहीं होने देते। ये श्रेष्ठ अलंकार था, अनुप्रास अलंकार है, माधुर्य गुण है, श्रृंगार रस है, ब्रजभाषा की मधुरता है, घनानंद के इस सुंदर सवैया के बाद। एक बार मैंने बताया था कि मैं हम राग से लय से मैं पढ़ना नहीं जानता, कला है, लोग कहते हैं अच्छा बोलते हो, मैं तो नहीं मानता, मगर कानपुर विश्वविद्यालय ने मुझे स्वर्ण पदक विजेता घोषित किया है वक्ता के रूप में। तो मैं इतना ही कहूंगा कि अति सुधो स्नेह को मार्ग है, तहां नेकु सयान पो पाक नहीं, तहां सांचे चले तजी आपन पो झिझके कपटी जन साक नहीं। धन आनंद प्यारे सुजान सुनो, इत एक ते दूसरो आंक नहीं, तुम कौन थो पार्टी पढ़े हो कहो, मन ले हो पै देव छटाक नहीं, मन ले हो पै देव छटाक नहीं। और इसी के साथ मैं आज की इस कक्षा को विश्राम दे रहा हूँ, विराम दे रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।